वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यस, रेसिपी ही मैं बोल रही हूँ उसको, जो खाने वाली नहीं है। आपको लगाना है, उसको अप्लाई करना है, उसके बाद एक फ्लॉलेस रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। सो पहले बिफोर कि मैं आपके साथ ये वो सब कुछ शेयर करूँ, आप पहले देख लीजिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं एंड कैसे मैंने स्पेशली मैं बोलूँगी कि ये उस हेयर टाइप के लिए हैं जिनके बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, जो थिन हेयर वाले हैं, जिनके लाइक चाहे हेयर ग्रोथ अच्छी है बट काफी थिन है उनके हेयर, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाई यू वेस्ट योर मनी इन केमिकल प्रोडक्ट्स? सो आपको केमिकल में इस मैजिकल कंडीशनर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है इन 5 प्रोडक्ट्स की, जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट आपको चाहिए कर्ड, कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं अपने हेयर के अकॉर्डिंगली, जितने आपके हेयर थिक है या जितनी उनकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको लेना है कर्ड। देन यू नीड बेसन, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। बेसन के मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून्स ऑफ बेसन। आंवला पाउडर, ये भी आप कोई भी आंवला पाउडर यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर रही हूँ नो ब्लाबला का हेयर कंडीशनिंग आंवला पाउडर। हेयर सॉफ्टनिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ अरीठा पाउडर, ये भी आप कोई भी अरीठा पाउडर यूज कर सकते हैं। एंड इसमें मैं ऐड कर लूंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गुड वाइब्स लेमन इसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास ये लेमन इसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ले लूंगी बेसन, और बेसन को मैं डाल लूंगी अपने बाउल में। एंड उसके बाद मैं ऐड करूंगी, पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेंगे, बाद में डालूंगी कर्ड, पहले डालूंगी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। पहले मैंने डाल लिया है बेसन, अब मैं ऐड कर लूंगी हेयर सॉफ्टनिंग पाउडर अरीठा पाउडर। अब मैं ऐड कर लूंगी आंवला पाउडर एंड अभी मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन एसेंशियल ऑयल। इतना सा काफी है, हाफ। अच्छे से मैंने इसको कर लिया है मिक्स। एंड अभी मैं अपने डायरेक्टली हेयर्स के ऊपर कर लूंगी इसको अप्लाई। एंड यू कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस कंडीशनर। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने बालों के ऊपर इस कंडीशनर भी बोल सकते हैं, आप इसको पैक भी बोल सकते हैं। तो ये बिफोर हेड वॉश आपने अप्लाई करना है, और मोस्टली आप इसको अप्लाई करोगे अपने रूट्स के ऊपर। देख सकते हैं आप, जैसे मैं सेक्शनिंग करके अप्लाई कर रही हूँ, आप इसकी किसी हेयर ब्रश की हेल्प से ही इसको अप्लाई करिएगा। एंड पूरे हेयर्स पे मैं कर रही हूँ अप्लाई। ये बालों को स्ट्रांग भी बनाता है, रूट्स को भी अच्छे से स्ट्रांग बनाता है। एंड अभी मैंने कर लिया है पूरी अप्लाई अपनी लेंथ पे भी एंड अपनी रूट्स पे भी अप्लाई कर लिया है। एंड अभी मैं बना लूंगी बन। यू कैन सी आफ्टर 30 मिनट्स मेरा हेयर पैक सूख गया है, अब मैं इसे कर लूंगी वॉश। ओके, सो मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं एंड टॉवल ड्राई किया है बालों को, और अभी मैं करने जा रही हूँ कॉम। यू कैन सी, तो अच्छे से अपने बालों को कॉम कर लूंगी, और यू कैन सी कितने ज्यादा स्मूथली कॉम हो रहे हैं मेरे बाल, कोई टेंगल्स नहीं है। एंड तो अभी तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा बिकॉज मेरे बाल अभी है गीले। सो आफ्टर जब मेरे बाल नेचुरली ड्राई हो जाएंगे, बिकॉज मैं कोई ड्रायर यूज नहीं करूंगी बालों को सुखाने के लिए,
तो उसके साथ मैंने शेयर किया कि मैंने कैसे अपने लाइक वॉश कर लिए थे हेयर एंड मैंने नेचुरली ही अपने बालों को सुखाया और मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो है कर्ली टू वेवी काइंड ऑफ टेक्सचर। तो मैंने कुछ भी अपने बालों के साथ इस टाइम नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने बालों को नेचुरली कर लिया है ड्राई एंड उसके बाद मैंने कॉम कर लिया है एंड यू कैन सी द वॉल्यूम इन माय हेयर। ठीक है, मेरे बाल इतने ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन उस मास्क के साथ जो मैंने हेयर मास्क का आप लोगों से शेयर किया उसके साथ मेरे बालों में वॉल्यूम देख सकते हैं कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया। अब यू कैन सी एंड मेरे बाल इतने स्मूथ एंड सॉफ्ट है ना, ये देखिए है ना, और काफी अच्छी शाइन भी आ गई है मेरे बालों में, यू कैन सी। तो इस जो मैंने आप लोगों से शेयर किया हेयर मास्क जो भी इंग्रेडिएंट्स शेयर किए तो इनका कोई हार्म भी नहीं आपको है ना, तो आप इजीली अपने घर में बनाइए, इसको अप्लाई कीजिए एंड अगर आपके बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है तो वीकली वीक में एक बार तो जरूर से अप्लाई कीजिए अगर आप एक अच्छा खासा रिजल्ट चाहते हो। ये आप अपने इस हेयर मास्क को कोई भी अप्लाई कर सकता है, इवन इफ यू आर अ टीनेजर और अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप कोई भी लाइक अभी हम क्या करते हैं DIY तब तो ज्यादा अप्लाई करते हैं ना अपनी स्किन के ऊपर अपने हेयर के ऊपर, तो ये वाली काइंड ऑफ DIY आप जरूर से ट्राई कीजिए एंड आपको बहुत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।